भारती जी, लेकिन मेरा सवाल, हम क्योंकि आज इस मुद्दे पर चर्चा करें, आपको मैं मौका दूंगी अर्पिता इनका जवाब देने के लिए, लेकिन भारती घोष जी, मेरा आपसे सवाल ये कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं अब्बास सिद्दीकी के पास, या अब्बास सिद्दीकी टीएमसी को समर्थन देते हैं तो, या टीएमसी अगर उनके लिए कुछ करती है तो ये तुष्टीकरण है, लेकिन बीजेपी के नेता फिर क्यों जाते हैं? 2017 की एक मीटिंग के बारे में मैं बता देती हूँ, अब्बास सिद्दीकी के ही चचा हैं तोहा सिद्दीकी, उनसे मिलने के लिए गए बीजेपी के दो नेता, बीजेपी के जो एक्टर नेता हैं जॉय बैनर्जी और पार्टी के हुगली डिस्ट्रिक्ट के चीफ हैं भास्कर भट्टाचार्य जी, मुकुल रॉय जो पार्टी में आपकी अब शामिल हो गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो गए हैं, वो फरफरा शरीफ लगातार जाते रहे टीएमसी के लिए वोट मांगने के लिए, तो ये आप करें तो ठीक है, आपको अगर विकास पर या आप सबके लिए समान अगर बात करते हैं तो अपने राजनीतिक एजेंडे को लोगों के सामने रखिए, किसी श्राइन में फरफरा शरीफ में जाकर उनका समर्थन मांगने की क्या जरूरत है? आप भी तो मांग रहे हैं। हाँ, हम सबका समर्थन मांग रहे हैं क्योंकि हम एक सुनार बांग्ला का तरफ जा रहे हैं। हमारा जब नेताजी सब हमारा नरेंद्र मोदी जी जब उजाला गैस दिए थे, जब किसान का ये सम्मान दिए थे, तब देखा नहीं कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। ये बात समझने के लिए, समझाने के लिए हम सभी का पास जाना चाहते हैं कि हमारा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ माने क्या है सुमेरा जी? सबको लेके साथ चलना, सबको बताना नरेंद्र मोदी जी का स्कीम क्या है, हम बंगाल के लिए क्या सोच रहे हैं। हम हिंदू या मुसलमान नहीं देखते, हम बंगाल को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम सबके पास जाते ठीक है। आपका 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 ये कहना है कि आप इसलिए सबके पास जा रहे हैं क्योंकि आप धर्म के मुद्दे पर नहीं, विकास के मुद्दे पर लड़ना चाह रहे। अर्पिता घोष जी वो तो कह रही है विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे, आप लोग धर्म के आड़ ले रहे हैं। जी संक्षेप में, क्योंकि भारती घोष जी ने जो पहले ही बोले हैं इसको सुन के मुझे लगता है जो बैठे हैं सभी हंस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है ये पूरे देश में चर्चे पे है, आपकी ये किस मुद्दे पे लड़ते हैं और क्या इनकी बात है। और अगर ये बता रहे हैं कि जब हम उजाला गैस देते हैं तो हम सभी को देते हैं, हिंदू को देते हैं, मुस्लिम को देते हैं, क्रिश्चियन को देते हैं, बुद्धिस्ट को, तो हम बताएं भारती घोष जी, आपको भी पता है कि कोन्याश्री जब देते हैं, रूपश्री जब देते हैं, शास्त्र साथी जब देते हैं, शोभुत साथी जब देते हैं, तब सभी को मिलता है, किसी किसी को चुन के नहीं मिलता है। तो मुद्दे पे बात, मुद्दे का अगर बात आएगा, डेवलपमेंट की बात आएंगे, विकास की बात आएंगे तो ममता बनर्जी आगे रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ लेकिन जमीनी हकीकत क्या है राजनीतिक, बोलने का मौका दीजिए। और मैम आपने रखी अपनी पॉइंट कि आप भी विकास सबके लिए समान कर रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। अर्पिता चटर्जी हमारे साथ बनी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे जानते हैं कि दरअसल कितना अहम है एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर पश्चिम बंगाल के लिए, और ममता बनर्जी के लिए क्या वाकई बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे अब्बास सिद्दीकी अगर वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या ओवैसी के साथ जाते हैं। देखिए, मुझे जो लगता है ये जो सब बोल रहे हैं कि मीम आने से टीएमसी को कोई फर्क नहीं होगा या फिर बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वोट होता है उसका पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि वोटर्स का साइकोलॉजी क्या है, और वोटर्स वोट देंगे उन्हीं को जिनसे उनको उनका जो उम्मीद है वो पूरा किया गया है, जो पॉलिटिकल पार्टी उनके उम्मीदों को एक खड़ा उतरा है उनको ही वोट का मीन्स वोट मिलता है। तो अगर आप देखोगे टीएमसी लास्ट 10 ईयर्स में बंगाल में ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई एसएससी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, एंड इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके वजह से अगर ये एमआईएम मींस आते भी है बंगाल में तो क्या होगा, अगर उन लोगों को साथ टीएमसी का पैक्ट अप होता है तो वो टीएमसी के लिए और भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी बंगाल का पीपल जो है वो लोग टीएमसी के अगेंस्ट चले गए हैं। तो उसके लिए अगर एमआईएम भी टीएमसी के साथ जाते हैं तो एमआईएम को भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, ऊपर से नुकसान ही होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए तो एमआईएम अगर आप ये बिहार इलेक्शन को भी देखोगे तो कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो वोट कार्टर थे। ये जो बात है मीन्स वोट कार्टर एमआईएम को बोला जा रहा है, ये टैग भी रॉन्ग है, क्योंकि जो 5 सीट एमआईएम एनडीए के खिलाफ उधर बिहार में जीते थे तो वो सब सीट का लिए जो अगर आप देखोगे ना वो एनडीए का जो विक्ट्री मार्जिन एंड जो वोट्स पोल्ड बाय एमआईएम अगर आप वो देखोगे, वो डेटा आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगा ये आपके मुताबिक वोट कटर का इशू।
एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी के खिलाफ और उसका नुकसान उन सबको होगा जो उनके साथ जाएंगे, अगर अब्बास सिद्दीकी जाते हैं आपके मुताबिक या एआईएमएम जाती तो उनको भी नुकसान होगा क्योंकि एक तरह का माहौल ममता बनर्जी के खिलाफ है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।